स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा की एक शानदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आप सिर्फ एक बार 35,000 रुपये निवेश करके अपने लिए 50 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहां पर थोड़े से पैसे आज निवेश करना चाहते हैं और भविष्य में चाहते हैं कि वो बड़ा फंड बन जाए, तो दोस्तों टाटा की इस स्कीम के अंदर आपको सिर्फ एक बार 35,000 रुपये निवेश करके 50 लाख रुपए का एक बड़ा फंड मिल सकता है। दोस्तों ये स्कीम उन लोगों के लिए भी काफ़ी बढ़िया रहेगी जिनकी उम्र अभी 50 साल है और उनके अभी बच्चे छोटे हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के नाम वो कुछ निवेश करें ताकि भविष्य में उनके सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो दोस्तों वो लोग भी इस स्कीम के अंदर सिर्फ एक बार 35,000 रुपये अपने बच्चों के नाम पर निवेश करके जब वो बच्चे बड़े होंगे 20-22 साल के, तब उनके पास एक बड़ा फंड आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों उस पैसे से आप बच्चे के सारे खर्चों को आराम से पूरा कर सकते हैं। अगर आपको बच्चे की शादी करनी है या फिर बच्चे की पढ़ाई करानी है तो वो सारे के सारे खर्चे आप इससे पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये स्कीम काफ़ी बढ़िया रहेगी ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। तो भी दोस्तों आप इस स्कीम के अंदर सिर्फ एक बार 35,000 रुपये निवेश करके 50 लाख रुपये का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में टाटा की इस स्कीम के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे और साथ के साथ हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे कि इस स्कीम के अंदर अगर आप आज निवेश करते हैं 35,000 रुपये तो कैसे यहां पर आपको एक 50 लाख रुपये का बड़ा फंड मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इस स्कीम के बारे में, उसके बाद हम इसे कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों टाटा की जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर हम 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो स्कीम ने 11.05% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो स्कीम का रिटर्न 51.48% का है। 3 साल की बात करें तो स्कीम ने 30.19% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो स्कीम का रिटर्न 20.74% का है। और दोस्तों ऑल टाइम की बात करें, जब से स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लगातार एनुअली इस स्कीम ने 20.91% का रिटर्न दिया है। दोस्तों ये एक म्यूचुअल फंड्स की स्कीम है जिसका नाम है टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किया जाता है और स्टॉक मार्केट भी अपने हाई पर है और यहाँ से भी स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। यही वजह है कि अगर आप आज किसी बेहतरीन क्वालिटी की म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो यहाँ से आप भी एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश करने के लिए हमारे पास विकल्प क्या होते हैं। तो दोस्तों आज हम जिस विकल्प की बात करेंगे वो है लमसम का, यानी कि टाटा की इस स्कीम के अंदर आपको एफडी की तरह सिर्फ एक बार 35,000 रुपये निवेश करने हैं, उसके बाद यहां पर आप 50 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। इसका कैलकुलेशन भी हम चेक करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस स्कीम के एनएवी की, यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो यह 31.22 रुपीज़ का। दोस्तों एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड्स का एक यूनिट प्राइस होता है, जो पैसे आप इसके अंदर जमा करते हैं और जो एनएवी का प्राइस होता है उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर फंड साइज की, तो इस स्कीम का फंड साइज है 152 करोड़ का, यानी इतने पैसे लोगों ने इस स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर होल्डिंग एनालिसिस की कि आपका पैसा किन स्टॉकों के अंदर निवेश किया गया है, तो यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, जिंदल स्टील, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ग्रीस इंडस्ट्री, जिंदल स्टेनलेस स्टील, जो दोस्तों बेहतरीन क्वालिटी की कंपनीज हैं उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की, तो ये भी यहाँ पर कम है 1.01% का। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का एक खर्चा होता है, जो पैसे आप इसके अंदर जमा करते हैं और जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये काटने के बाद जो करंट एनएवी का प्राइस होता है उसके हिसाब से आपको यूनिट अलॉट की जाती हैं। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर फंड मैनेजमेंट टीम की, तो इस फंड को सतीश चंद्र मिश्रा 2018 से मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों अगर बात की जाए टाटा म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इंडिया में 14 नंबर पर रैंक है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 30 जून 1995 में और कंपनी के पास जो एयूएम है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो करीब 61,612 करोड़ रुपये का है। यानी इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर टाटा म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। दोस्तों ये तो बात हुई स्कीम की, इस स्कीम का जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो है 20.91% का, लेकिन ये स्कीम अगर आने वाले टाइम में आपको सिर्फ 20% का भी रिटर्न देती है और आप इसके अंदर एक बार 35,000 रुपये निवेश करते हैं तो कैसे यहां पर 50 लाख रुपये का एक फंड बना सकते हैं, चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक म्यूचुअल फंड्स का लमसम कैलकुलेटर। टाटा की इस स्कीम के अंदर अगर आप एक बार 35,000 रुपये निवेश करते हैं, इस स्कीम का जो रिटर्न है वो हमने एक्सपेक्ट किया है आने वाले टाइम में 18% का। इस पैसे को अगर आप सिर्फ 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 6,300 रुपये का होगा। 35,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर 1 साल के बाद आपको 41,300 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 3 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो 22,506 रुपये का होगा। 35,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 3 साल के बाद 57,506 रुपये मिलेंगे।
दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 6 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 59,484 रुपये का होगा। 35,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आप 94,484 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहाँ पर 9 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 120,241 रुपये का होगा। 35,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 155,241 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहां पर 12 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 220,066 रुपये का होगा। 35,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 255,066 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहां पर 15 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 384,081 रुपये का होगा। 35,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 419,081 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहां पर 18 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 653,564 रुपये का होगा। 35,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 688,564 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप यहां पर 21 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 1,96,332 रुपये का होगा। 35,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 11,31,332 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप 24 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 18,23,815 रुपये का होगा। 35,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 18,58,815 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस पैसे को अगर आप 27 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 30,19,093 रुपये का होगा। 35,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 30,54,093 रुपये मिलेंगे। दोस्तों अगर टाटा की इस स्कीम के अंदर इस पैसे को आप 35,000 रुपये को 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो 30 साल के अंदर आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 49,82,972 रुपये का होगा। 35,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 30 साल के बाद 50,17,972 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों टाटा की काफ़ी बेहतरीन स्कीम है। अगर आप अपने भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं और अभी आप थोड़े से पैसे निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों टाटा की ये स्कीम आपके काफ़ी काम आ सकती है। दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।